केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले साल से रेल बजट को आम बजट के साथ विलय करने का किया फैसला। इसके साथ ही 1924 से अलग से रेल बजट पेश करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार के इस फैसले से रेलवे की वित्तीय स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कैबिनेट ने अगले साल के बजट से योजनागत खर्चों और गैर योजनागत खर्चों में अंतर को भी खत्म करने का फैसला किया। गौरतलब है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना साल 2017 में समाप्त हो रही है, जिसके बाद देश में पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनेंगी। इसलिए सरकार ने अब सरकारी खर्चों की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए योजना और गैर योजना खर्चों में अंतर को खत्म करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक से पहले कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक। एनआईए ने हमले को लेकर किया मामला दर्ज। एजेंसी ने लिए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों के डीएनए के नमूने। पाकिस्तान ने उड़ी सेक्टर में एक बार फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। सेना ने उड़ी और हंदवाड़ा में 2 घुसपैठ की कोशिशों को किया नाकाम। अमेरिकी सांसद टेड पो और दाना रोहरा बाचर ने संसद में पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है। टेड पो ने कहा है कि पाकिस्तान न सिर्फ धोखेबाज देश है, बल्कि वो वर्षों से अमेरिका के दुश्मनों को उकसाता भी रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना रवैया पड़ोसी देशों के लिए गंभीर खतरे का विषय है और दुर्भाग्य से भारत लंबे समय से अक्सर इसकी कीमत चुकाता रहा है। पाकिस्तान की लगातार कोशिशों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने अपने संबोधन में कहीं भी जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं किया, बल्कि विश्व स्तर पर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की आलोचनाओं ने उसे शर्मिंदा किया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के कई देश पाकिस्तान के खिलाफ आए भारत के समर्थन में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान को आतंकवादियों को अपनी सरजमी को पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करने से रोकने को कहा। भारत ने अमेरिका से पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की रखी मांग। चेन्नई मेट्रो रेल के दूसरे चरण का आज विस्तार किया गया, जिसमें लिटिल माउंट और चेन्नई एयरपोर्ट को एक दूसरे से जोड़ा गया है और इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। लगभग 8.5 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो रूट का उद्घाटन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। केंद्र चेन्नई मेट्रो के लिए अब तक 10,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी का केरल के कालीकट में 3 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन 23 सितंबर से शुरू होगा। 25 सितंबर तक चलने वाले राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव ने ये जानकारी देते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ भी परिषद की बैठक में ही होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वो डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के उपाय जारी रखें। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये सुनिश्चित करने का निर्देश केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगमों को दिया है कि कोई भी मरीज अस्पताल से बिना इलाज के न जाए। दिल्ली में नगर निगम की रिपोर्ट में मलेरिया के 525 मामलों की पुष्टि हुई, जबकि चिकनगुनिया के 2,625 और डेंगू के 1,378 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर नई दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान पर उन्हीं की रिश्तेदार ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के बाद आईपीसी की धारा 354A, 506, 120B और 498A के तहत मामला दर्ज किया। प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने आज नई दिल्ली में स्थित दूरदर्शन भवन में प्रोडक्शन वर्कशॉप का उद्घाटन किया। 3 दिनों तक चलने वाली इस वर्कशॉप में डीडी न्यूज चैनल के प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग और कैमरा विभाग से जुड़े कर्मचारियों को नई तकनीकों और चुनौतियों से अवगत कराना है, ताकि समाचार की गुणवत्ता को और बेहतर किया जा सके। गुजरात में सूरत के कीम इलाके में प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग आज सुबह करीब 6 बजे लगी, जिसमें काफी सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के लिए 15 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए धमाके के संदिग्ध पर नरसंहार और सार्वजनिक स्थान पर बम विस्फोट करने के आरोपों के साथ दायर की गई चार्जशीट। न्यूयॉर्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद अहमद खान रहामी को किया गया था गिरफ्तार। कबड्डी विश्व कप के लिए भारतीय टीम की हुई घोषणा। भारत की ड्रीम टीम में हर पोजीशन के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को किया गया शामिल। अनूप कुमार होंगे टीम के कप्तान। कोच बलवान सिंह ने खिताब जीतने का जताया विश्वास। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट गुरुवार से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने अब तक कुल 54 टेस्ट खेले हैं, जिसमें भारत ने 18 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड के हिस्से में 10 जीत आई हैं। ये टेस्ट मैच भारतीय टीम का 500वां टेस्ट मैच है। ऐसे में टीम इस टेस्ट को जीत के साथ यादगार बनाने के लिए बेताब है।